हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको चॉकऑप्सर रिपेयर करना सिखाने वाला हूँ। ये शॉकर बजाज एक्सीडी बाइक का है, डिस्कवर एक्सीडी। जो बजाज के बाइक है उनमें ये लगता है। मैं आज आपको ये रिपेयर करके दिखा देता हूँ, इसे किस तरह रिपेयर करना होता है। इसकी आप कंडीशन देख सकते हो क्या हो चुकी है। तो चलिए इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हमें क्या करना होता है, ये वाला नट होता है इसे हमें पहले निकालना होता है। ये 27 नंबर का बोल्ट होता है, और उसके बाद ये नीचे एलन की का बोल्ट होता है 6 नंबर का, उसे भी निकालना होता है। तो उसे किस तरह निकालना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बोल्ट इतना लूज़ नहीं होता है, मैंने इसे पहले से ही लूज़ करके रखा है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ लूज़ किया हाथ से। तो गाइज ये देखिए, बोल्ट आ चुका है। इसके बाद उसके अंदर ये इस तरह का एक पाइप होता है छोटा वाला, उसके बाद उसमें एक वॉशर होता है। और गाइज ये देखिए, उसके बाद ये स्प्रिंग, ये तीन चीज़ होते हैं, इन्हें पहले हमें बाहर निकालना पड़ता है। इसके बाद जो ऑयल होता है उसे हमें ड्रेन करना होता है। मैं ऑयल को ड्रेन कर लेता हूँ। आप ऑयल को अच्छे से ड्रेन कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। और गाइज ये देखिए, मैंने इस तरह से कुछ टूल बनाया है शॉकर के लिए। तो मैं शॉकर को खोल लेता हूँ इससे। तो गाइज मैंने शॉकर को खोल लिया है, दोनों शॉकरों को खोल लिया है 6 नंबर के एलन के बोल्ट को निकाल कर। तो गाइज इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो गाइज इसके बाद हमें इन सभी चीज़ों को पेट्रोल या डीजल से वॉश करना होता है। ये मैंने वॉश कर लिया है, सूखने के लिए रखा है, तो आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। और इसके बाद गाइज आपको अच्छे से अंदर से बाहर से एक साफ़ कपड़े से पोंछ लेना है, ताकि उसमें लगी डस्ट वगैरह हो तो वो जाए। मैंने साफ कर लिया है, इस पर अब ऑयल सील लगेगा, ये वाला ऑयल सील। ये डिस्कवर और एक्सीडी सभी बाइक में एक ही तरह का आता है, एक ही साइज़ का होता है। और ये वाली रिंग होती है वो नीचे जाएगी, और ये वाली रिंग ऊपर आएगी। इसे किस तरह बिठाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाली नीचे और ये वाली ऊपर, ये देखिए इस तरह कुछ बैठेगी ये। तो गाइस बैठने से पहले हमें इसे ग्रीस लगाना पड़ता है, तो मैं इसे ग्रीस लगा लेता हूँ, ताकि सील है वो अच्छे से फिट हो जाए, उसे कोई नुकसान ना हो। सील को भी लगाया ग्रीस, और अभी फिट करते हैं सील को। इसके बाद आप इसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस कीजिए। इसके बाद आपके पास पुराना ऑयल सील होगा, उसे लीजिए, तो अच्छे से पोंछ लीजिए और उसके ऊपर रखिए। जो नए वाले ऑयल सील है उसके ऊपर पुराना वाला ऑयल सील रखिए, और उसको हथौड़े से हल्की चोट मारिए। ये देखिए मैंने इस तरह मारी है, ताकि जो ऑयल सील है वो अंदर अच्छे से फिट हो जाए। आपको ज़ोर से भी नहीं मारना है, ताकि उससे क्या होगा कि नया वाला ऑयल सील है उसको डैमेज हो जाएगा। उसके बाद आप पोंछ लीजिए, ताकि वो पुराने वाले ऑयल सील का डस्ट है उसे
वहाँ ना रहे। तो गाइस मैंने दोनों ऑयल सील लगा लिया है, ये देखिए दोनों को भी फिट कर लिया है, उसका लॉक भी लगा लिया है। इसके बाद गाइस गाइस ये पिस्टन होता है, इसे इसके अंदर गाइस ये स्प्रिंग लगानी पड़ती है, और गाइस इसके बाद ये शॉकर के ट्यूब में डालना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से डालना पड़ता है, जिस साइड से थ्रेड है उस साइड से इसे अंदर डालना पड़ता है और दूसरे बाजू से बाहर निकालना पड़ता है, और उसके ऊपर एक छोटा वाला कैप आता है, ये कैप उसके ऊपर लगाना पड़ता है। और गाइस उसके बाद ये आउटर ट्यूब उसके ऊपर लगाना होता है, ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से लगाना होता है। और उसके बाद गाइस उसके ऊपर 6 नंबर का एलन की बोल्ट होता है, उसे टाइट कर लेना है, इस टूल में उसे डालना पड़ता है ताकि वो उसके अंदर अटके बाहर ना निकले। ये देखिए गाइस इसके बाद गाइस इस पे थोड़ी हल्की सी चोट मारनी पड़ती है ताकि ये पिक्स हो जाए। और गाइस इसके बाद एलन की बोल्ट को टाइट कर लेना होता है, तो गाइस मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। और गाइस टाइट करने के बाद ये देखिए गाइस एकदम फिक्स फिट हो गया है। इसके बाद इस पर डस्ट कैप लगाना पड़ेगा, तो गाइस ये डस्ट कैप है, इसे भी लगा लेते हैं। ये हमने डस्ट कैप भी लगा लिया है, और गाइस अब इसमें अब ऑयल डालने हैं। तो गाइस ये 160 ml ऑयल इसमें डलता है, आप 150 ml भी डाल सकते हैं, आपको हार्ड चाहिए तो 160-170 डाल सकते हैं, आपको सॉफ्ट टाइप चाहिए तो 150 भी डाल सकते हैं, आपके रोड के हिसाब से आप ऑयल डालिए। तो हमने 160 ml ऑयल डाल लिया है, इसे ऊपर नीचे करके अच्छे से हम लुब्रिकेट कर लेते हैं। तो गाइस इसके बाद ये स्प्रिंग डालते हैं, ये छोटा वाला साइड होता है वो नीचे और ये बड़ा वाला साइड होता है ऊपर आता है। तो गाइस शॉकर का स्प्रिंग को डाल देते हैं अंदर, इसके बाद गाइस इसके ऊपर ये वॉशर आता है, और गाइस इसके बाद ये पाइप छोटा वाला, और उसके ऊपर ये बोल्ट आता है। तो गाइस इसे हम लगा लेते हैं अच्छे से। तो गाइस हम इसे अब नट को फिट कर लेते हैं, ये 27 नंबर का पाना है, पट्टी पाना है, इसे हमें टाइट करना होता है, अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारा शॉकर रेडी हो चुका है, ये देखिए अच्छे से शॉकर हो रहा है, ये देखिए। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिले। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।